क्या आपने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी का नाम सुना है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान कमज़ोर पड़ने लगता है, शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, वजन घट जाता है, चलने फिरने में परेशानियां होने लगती हैं, मसल्स सिकुड़ने लगती है, शारीरिक विकास रुक जाता है। बढ़ती उम्र के साथ ही कमर और बाजू की मांसपेशियाँ भी प्रभावित होने लगती हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भारत में संभव नहीं है। इस बीमारी से विंध्य क्षेत्र के एक परिवार के 4 सदस्य जूझ रहे हैं, जिनसे विंध्य फर्स्ट ने बात की। जिससे गांव जाता था पैदल, गांव जाते समय रेंगते रहते, मैं थक जाता था, मतलब कुछ दूर जाता फिर बैठ जाता, फिर पुनः बैठता, फिर पुनः धीरे धीरे खड़े होकर के पुनः जाता, कहीं पेड़ पकड़ के खड़ा हो जाता, कहीं मतलब कुछ जो भी संसाधन रहता तो थोड़ा खड़े होने पर आराम मिल जाता था, कि बैठ जाता था। तो ऐसे ऐसे करके कभी कभार तो ऐसा मतलब होता था कि अब यहाँ से हम उठकर जाएं ही यहाँ, मतलब शरीर में मतलब ऐसी थकावट आती शरीर में, मतलब कि फिर पहले 1 किलोमीटर, फिर उससे भी आधा, फिर उससे भी फिर 100 मीटर, मतलब 100 मीटर जाने में एक ये 2 साल 3 साल की बात है, 4 साल की, मतलब मैं 100 मीटर जाता था, वहाँ जो आम दिख रहा है उसके आगे 200 मीटर तक मतलब जाता था। तो जब बैठ जाता था तो खड़े होने में बहुत समस्या आती थी। रीवा जिले की त्योंथर तहसील के उसर गांव में रहने वाले इस परिवार के घर का रास्ता गांव का हर एक बच्चा जानता है। घर में एक बूढ़ी माँ और 4 बीमार बच्चे जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। घर में घुसते ही चारों तरफ सन्नाटे के बीच ठीक होने की उम्मीद लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे 4 बच्चे नजर आते हैं। जिस बूढ़ी माँ को ये आसरा था कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा होंगे, अब वो माँ ही इन बच्चों का सहारा बनी हुई है। दुख तो काफ़ी होता, अब जीव नहीं निकलता, और दुख तो अब जे के ऊपर पड़ जाता, होकर रात में जाना थी। 25 साल के मनीष यादव और उनके भाई बहन अनीस, मनोज और सुशीला को यह बीमारी है। हालांकि मनीष के 2 बड़े भाई भी हैं जो स्वस्थ हैं। मनीष का जब जन्म हुआ तो वे सामान्य बच्चों की तरह ही थे। तब किसे पता था कि ऐसी बीमारी घर के 4 बच्चों को अपनी चपेट में ले लेगी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। 10 साल तक सामान्य रहे मनीष की उम्र के साथ परेशानियां भी बढ़ने लगीं। समय के साथ हालत काफ़ी गंभीर हो गई, वजन लगातार घट रहा था और शरीर किसी मुरझाए फूल की तरह सूखता जा रहा था। पहले कमजोरी तो लगती थी लेकिन चलने फिरने की हिम्मत थी। धीरे धीरे मनीष के लिए अपने ही शरीर का बोझ उठा पाना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे मनीष की परेशानियां पूरे परिवार का दर्द बन गईं। अभी परिवार इस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ नहीं पाया था कि 3 और सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए। कई अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद भी जब कोई हल नहीं मिला तो सरकार शासन प्रशासन से मदद मांगी गई। बीमारी इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों ने रिसर्च शुरू कर दिया। तब पता चला कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अनुवांशिक बीमारी के लक्षण हैं जिसका इलाज जर्मनी में संभव है। जो परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा है वो जर्मनी में इलाज का सपना भी नहीं देख सकता। मनीष ने बीमारी के इलाज के लिए CM शिवराज सिंह चौहान और PM नरेंद्र मोदी से भी मदद मांगी, लेकिन चारों तरफ केवल निराशा ही हाथ आई। हर तरफ से उम्मीद हार चुके मनीष सोशल मीडिया पर पहुंचे और अनजान बीमारी से जूझता परिवार #ट्रेंड भी कराया। तब जाकर CM ने मदद की बात कही और मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में इलाज चला। हमारे मन में विचार आया कि अब मैं ट्विटर पर ट्रेंड चलाऊंगा लगातार, क्योंकि मैं ट्विटर पर मेरे कई साथी 40-50 हज़ार जो फॉलोअर्स हैं वो हम लोगों के कंप्लीट हैं ट्विटर में। तो मैं एक ट्रेंड चलाया था, अनजान बीमारी से जूझता परिवार, मदद करो सरकार। जब ठीक नहीं हुआ तो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया था, मगर एम्स में भी बीमारी का इलाज नहीं हो सका। एम्स के डॉक्टरों ने जर्मनी में इलाज संभव होने की बात कही। मैं एम्स में भी गया राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी के माध्यम से, बहुत ट्विटर पर सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड चलाया
और उनको खबर मिली तो उनका फोन मेरे पास डॉक्टर लिया आया कि आप स्वस्थ होंगे। उन्होंने जा करके डॉक्टर गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर से विवेक तनखा जी मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बच्चों को बुलाइए, हम उनको ठीक करेंगे यहाँ पर। फिर हम लोग गए वहाँ एम्स, उनके माध्यम से यहाँ से भिजवाए जो भी व्यवस्था है। वहाँ पर मैंने 12 दिन एम्स में रिसर्च हुआ। रिसर्च के बाद पूरी मतलब कि बॉडी की जो भी आपका ब्लड, यानी कि ब्लड तो 10 दिन में डेली 2-3 बार निकलता था, अब क्या जांच है क्या नहीं है वो पता नहीं, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो फिर सब कुछ हुआ, 10 दिन रिसर्च हुआ, लास्ट टाइम में उन्होंने कहा कि जो ये जो आपका बीमारी है, बीमारी का नाम दिया जेनेटिक डिसऑर्डर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी का नाम दिया। तो हमने कहा सर इस बीमारी का इलाज कहाँ पर है और कैसे होगा? तो एम्स के डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज फौरन में जर्मनी और एक दो UAE ऐसे कोई देश, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इसका इलाज जो है अभी सार्थक है, उम्मीद है कि वहाँ पर ठीक हो सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है जानिए। विशेषज्ञ चिकित्सक के मुताबिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान की हड्डियाँ बढ़ती उम्र के साथ कमजोर पड़ने लगती हैं, मांसपेशियाँ सूखने लगती हैं। यह एक जेनेटिक रोग है। भारत में इस बीमारी के लाखों मरीज हैं लेकिन इलाज अब तक नहीं है, ना ही कोई यह बता पाने की स्थिति में है कि इस बीमारी का इलाज भारत के लोगों को कब नसीब होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा नाम से ही ज्ञात है, मांसपेशियों को क्षय करने वाली बीमारी है। इसमें मांसपेशियों की कार्यक्षमता में लगातार गिरावट होती जाती है तथा मसल मास धीरे धीरे कम होता जाता है तथा मरीज धीरे धीरे बहुत दुबला होता जाता है। यह एक वंशानुगत रोग है, अर्थात यह एक वंश से दूसरे वंश में जाता है तथा अपने लक्षणों को दिखाता है। लक्षणों के तौर पर आप देख सकते हैं मरीज बार बार गिरता है, चलने फिरने में से काफ़ी परेशानी होती है, बैठा मरीज एकदम से उठ नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, जंप नहीं कर सकता। यह एक विशेष उम्र जैसे बचपन में ज़्यादातर अपने लक्षणों को दिखा देता है और हृदय तथा फेफड़ों की बीमारियों के आगे बढ़ने के कारण ये जान ले सकता है।